naman kanya. रोल क्या लाइन है? हम आपके बिना नहीं रह सकते, मैं भी नहीं रह सकता। लो, हम आपके बिना नहीं रह सकते, मैं भी नहीं रह सकता। एक्शन। क्या हो रहा भाई? है कोई बचपना है? जब देखो तो प्यार हो गया, ना जब देखो झगड़ा हो गया। पागलपन है क्या? सॉरी दादाजी। दादाजी प्लीज आप तारा की सगाई मुझसे कर दीजिए। आई प्रॉमिस मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। रोल एक्शन। दादाजी प्लीज आप तारा की सगाई मुझसे कर दीजिए। आई प्रॉमिस आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। राजीना मैंने तय कर लिया है, अब तारा की सगाई तो वही होगी जब मैं चाहूंगा। बोल तारा आगे चलते हुआ ना। संग्राम बोला इधर से लड़के वाले आ गए दादाजी। आ गए के? चल भाई तारा तैयार हो जाए। अरे ससुराल वाले आ गए। पैसा बाद में साइड में हो जाएंगे। इधर को मुझे के शाबाश। आई नमस्ते जी। ये थर्मोकोल पुल इडियट। ये शॉट में क्या कर रहा दीपक? रोल राधे कृष्ण आवाज आएगी। नमस्ते नमस्ते सरप्राइज राधे कृष्ण। लेफ्ट लुक रखो क्या रखो जंप करो लुक एक शॉट के लिए सर का ले लेते हैं कैमरा राइट लुक फिर सर को हटा के ले लेते हैं। आइए जी रोलिंग रोलिंग मैं टर्न करके बोलूंगा रोलिंग रोलिंग सॉरी रोलिंग एक्शन। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण पधारो पधारो। अभी इधर पधारो पधारो सर ने बोला यहाँ पर रखना आइए जी आइए जी। राधे कृष्ण। अरे थर्मल क्यों बोले क्या रहा है यार? रोल दूर रखना बॉडी से। एक्शन। आइए जी आइए। राधे कृष्ण दादाजी। पापा राधे कृष्ण सरप्राइज।
क्या हुआ नाश, ऐसे क्यों देख रहे हो हमें इतनी हैरानी से? पापा आप लोग यहाँ, आप लोग तो वहाँ जाने वाले थे ना। अच्छा बोले क्या लगा? आगे बढ़ के आ रहा है। नहीं तेरी लाइन है, मुझे लगा आप लोग आगे बढ़े थे। बोल तो क्या लगा ना, मुझे लगा कि आप लोग यहाँ, मुझे लगा आप लोग। चलो अच्छा बोले क्या लगा ना, इसमें मुझे खुश तो नहीं होना ना उनको देख के, सरप्राइज लगा ना। सरप्राइज मतलब यार कंफ्यूज रोल, मुझे लगा आप लोग, मुझे लगा आप लोग ना लास्ट। हो गया नमोम टर्न हो चुके हो क्या? हो गए बोले 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 नक्स तारा के पास ना बोले एक्शन। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो ना इतनी हैरानी से? आप लोग यहाँ, मुझे लगा आप लोग। अक्षर भाई क्या लगा डुगडू कि हम तुम्हारी सगाई किसी और से करवा देंगे? नैतिक बोला वो सब नाटक था नाक्ष, तुम दोनों को फिर से मिलाने का सरप्राइज। और अक्षर भाई होल्ड, वो सब नाटक था बोले, दोनों पे एक चैट बोले गए एक्शन। वो सब नाटक था नाक्ष तुम दोनों को मिलवाने के लिए। अक्षर बोले क्योंकि ऐसे तो तुम लोग सुनते नहीं। अक्षर बोले क्योंकि ऐसे तो तुम लोग अक्षर बोले क्योंकि ऐसे तो तुम लोग किसी की सुनते नहीं, तो हमें लगा कम से कम अपने दिल की तो सुनोगे। उधर से दादाजी बोले तो तू जाके उनके यहाँ झगड़ा कराई, इतना कुछ सुना दिया, फिर भी मैडम जी ने थारे वास्ते इतना सोचा, तारा ये सारी योजना ना मैडम जी की थी, सरप्राइज। दादाजी बोले बड़ी तसल्ली है मारे को कि तू बहुत अच्छे घर में जा रहा है। दादाजी को दादाजी वो कटर स्टैंड ये वाला ना, वो विद्या को दादाजी, विद्या को दादाजी एक्शन। दादाजी बोले तू इतना झगड़ा करके आई, चुप कर देखा उसको, माँ को देखा, एक अक्षा को इतनी अच्छी इच्छा से उसके बड़ा बड़ा रोल बोले देखते रहे एक्शन। दादा भी बड़ी तसल्ली है तारा मारे को कि तू बहुत अच्छे घर में जाएगी। मेरे लिए आप गई अक्षरा के पास। ओके आइए विद्या जी आइए। एक्शन। आपने आपको बहुत गलत समझा, पता नहीं आपसे क्या क्या कह दिया, लेकिन फिर भी आपने हमारे यहाँ वृक्ष के रिश्ते के लिए इतना कुछ किया। थैंक यू। तुम्हें जो ठीक लगा वो तुमने किया था ना, और तुम्हें जो ठीक लगा वो मैंने किया। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो शायद वैसा ही था। तुमने बस 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 तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो शायद ऐसा ही करता जैसे तुमने किया था ना, लेकिन फिर वही होता जो होने जा रहा था।
दादाजी बोले इतना गुस्सा अच्छी बात ना है, ये बात मारे को तारा और नक्श लाला दोनों से कहनी है। अच्छा भाई बिल्कुल सही कहा आपने दादाजी, तारा नक्श छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो हर रिश्ते में आते बेटा, दो अलग सोच के लोग जब मिलेंगे तो कहीं ना कहीं तो दोनों विचार उन्हें टकरा लेंगे, पर यही तो रिश्तों का असली टेस्ट है। क्या सर, राइट लेफ्ट? लेफ्ट लेफ्ट। तो साथ लेकर चलते हैं, वो सीखना है हमें, ना कि ये कि एकदम से झट से अलग हो जाते, ये तो बहुत आसान है। यू आर राइट मम्मा, ये ऑप्शन तुमने सोचा ही नहीं, बस लड़ाई। राइट पापा, ये ऑप्शन तुमने सोचा ही नहीं, बस लड़ाई की और अलग हो गया। हाँ मम्मा, आपने मैं लाइन पे हूँ, कभी नहीं किया, फाइल करते हैं लाइन तो नहीं करते तेरी लाइन है। ब्रिलियंट एक्शन। हाँ मम्मा, आज आपने जो हमें समझाया है हम इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। स्माइल आपने यहाँ से आदित्य ने बोला, अरे वाह सब सॉर्ट आउट हो गया, चलो अब सेलिब्रेशन करते हैं। चलो 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 निकल जाओ, मुझे आगे बढ़ो, निकल जा ब्लॉक से। हाँ, ये एक्चुअली हमारी फैमिली मेंबर्स की प्लानिंग थी कि हमें साथ में लाया जाए, जो नक्षत्र का टूटा हुआ रिश्ता था उसे वापस जोड़ दिया जाए, लेकिन हमें बताया जाता है कि हमारा जो रोका हो रहा है वो किसी और के साथ में हो रहा है। तो मैं पहली बात तो नक्श को देख के वहाँ हैरान हो जाती हूँ, और नक्श को भी नहीं पता होता है कि हमारी फैमिली ये प्लान कर रही है। तो हम दोनों रिकनसाइल करते हैं, वापस पैचअप कर लेते हैं, और उसके बाद में दादाजी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि प्लीज़ हमें एक और मौका दे दिया जाए। तब तक नक्श के पेरेंट्स आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये उनकी प्लानिंग थी हमें साथ में लाने के लिए, ताकि हम एक दूसरे की बात सुने। जी मैम, जैसे क्या पूरे घर वालों ने मिलकर आपको सरप्राइज किया? हाँ, प्लान किया था। हाँ, जैसे आप देख रहे हैं मैंने रोका का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, तो मुझे कहा जाता है कि किसी और के साथ रोका होने वाला है मेरा, तो बहुत ही रोना धोना होता है। मैं नहीं चाहती किसी और से शादी करना, एट द एंड ऑफ द डे आई स्टिल लव नक्श। सो यही होता है कि वो नहीं करना चाहती लेकिन ज़बरदस्ती आ जाती है, और जब वो नक्श को देखती है तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है, उसे ऐसे लगता है कि अब क्यों। जैसे नक्श आता है, नक्श को संग्राम और उसके भाई दोनों लोग और दादाजी भी साथ में बोलते हैं कि इसको घर से बाहर कर दो। ये आई थिंक उनकी प्लानिंग का हिस्सा होता है, ताकि वो कन्फेस कर ले, वो अपनी दिल की बात सुने और कह दे सबके सामने कि हाँ वो मुझसे प्यार करता है। और मैं भी वही करती हूँ, मैं भी उनसे कह देती हूँ कि मैं भी उनसे प्यार करती हूँ। जैसे कि अभी माँ ने बोला था या किसी ने बोला था कि आपको काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है, आप लोग साथ में हो, बट ये आप लोग खुद नहीं कर रहे हो, इसलिए मैंने ये ऐसा सरप्राइज किया। नहीं, एक्चुअली दैट्स नॉट द केस। हमारा जो झगड़ा हो जाता है उसके बाद में हम एक दूसरे से रिश्ता तोड़ देते हैं। नक्श को गलतफहमी हो जाती है, उन्हें लगता है कि मैंने उन्हें धोखा दिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि अक्षरा आंटी ने मुझे धोखा दिया है। तो बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हम एक दूसरे को बहुत कुछ सुना देते हैं, पर हम फाइनली वापस टुगेदर है, एंड दैट्स अ हैप्पी मोमेंट। आगे ट्विस्ट एंड टर्न्स में ये है कि हमारी इंगेजमेंट हो जाएगी फाइनली, और आगे के लिए आपको आगे का ट्रैक देखना पड़ेगा।